आज तो हम कर रहे हैं सैटरडे वाली पार्टी, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पांड्या स्टोर की कहानी में। वेल, नताशा और धवल, अगर आपको भी मिल जाए ना फुर्सत, आपको भी करनी चाहिए हमारे साथ सैटरडे वाली पार्टी। देखिएगा, आपके चेहरे पर भी आ जाएगी मुस्कुराहट, क्योंकि हम तो लेकर आते हैं आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। निकली नताशा की बारात, घोड़ी पर सवार होकर झूमती नाचती दुल्हनिया, मिल गए नताशा और धवल के दिल। स्टार प्लस के सीरियल पांड्या स्टोर में नताशा ने सब ठीक कर दिया है और अब वो घोड़ी पर सवार होकर काला चश्मा पहनकर दुल्हनिया वाला स्वैग दिखाकर निकल पड़ी है जेल की ओर अपने धवल से ब्याह रचाने के लिए। जरा देखिए कैसे आज नताशा के चेहरे की खुशी देखने लायक है। और तो और, नताशा की इस खुशी में शामिल हो रही हैं उसकी दामा भाई, साथ ही खुश हैं जेलर साहब भी, जो लगा रहे हैं ठुमके क्योंकि उन्हें धवल की बेगुनाही के सबूत जो मिल गए हैं। श्री मकवाना फैमिली के लिए तो अनएक्सपेक्टेड था ही, लेकिन मेरे लिए भी बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं प्रियांशी कभी घोड़े पर चढ़ेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। इनफैक्ट मेरे नानी के यहाँ पर घोड़े हैं और डॉग्स हैं, बहुत सारे सब है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लगता है। मतलब प्यार भी आता है, लेकिन अब फ्रेंडशिप हो चुकी है मेरी, जो जिस घोड़े पर मैं बैठी थी वो घोड़ा नहीं है, वो घोड़ी है, उसका नाम रानी है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडशिप है मेरी उससे। अब तो मैं प्रो बन गई हूँ उतरने में, कूदने में, चढ़ने में, बहुत प्रो बन गई हूँ मैं तो, अब मुझे डर वर नहीं लगता। ऐसे में तो हमेशा दूल्हों को बारात लेकर जाते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार दुल्हनिया घोड़ी पर सवार होकर सीधा जेल पहुंची है अपने दूल्हे से ब्याह रचाने के लिए। और देखिए कैसे सभी के सामने घुटनों के बल बैठकर धवल को शादी के लिए प्रपोज कर रही है और साथ ही कर रही है अपने प्यार का इजहार भी। लेकिन इनका ये रिश्ता धवल की माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं, नहीं करेगा। एक्चुअली ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग था, क्योंकि मैं अब दिल से प्रपोज कर रही हूँ धवल को, कन्फेस कर रही हूँ सबके सामने, उसके परिवार के सामने, मेरे परिवार के सामने, विदाउट एनी झिझक, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है अपने प्यार का इजहार करना, तो मैं वही इजहार कर रही थी सबके सामने। और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए हैं और मतलब ऐसे मैडली इन लव वाली हो चुके हैं हमारी सिचुएशन, तो थोड़ा सा वो सिचुएशन पलट जाती है जब अम्बा माँ को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, तो उनको हम जैसे जैसे करके एग्री करवा लेते हैं, एक्सेप्ट करवा लेते हैं ये फैक्ट कि मैं आ रही हूँ पाना हाउस, बस यही हुआ। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, शादी तो होकर रहेगी। और इसमें अब अमरीश भी धवल नताशा का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अमरीश को तो सिर्फ उनका भाई धवल चाहिए। खैर, यहाँ प्यार की तो जीत हो गई है, लेकिन अब बारी है बाकी रिश्तों को जीतने की, जो नताशा के लिए मुश्किल होने वाला है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाँ,
हम सिर्फ सैटरडे को ही नहीं बल्कि 24/7 करते हैं आपके साथ एंटरटेनमेंट की पार्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।